आज का हमारा टॉपिक है कि अल्ट्रासाउंड क्यों और किस लिए करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड बाकी इमेजिंग मॉडलिटीज़ की तरह इसमें कोई रेडिएशंस नहीं होती, एक सेफ प्रोसीजर है। इसमें किसी किस्म का इंसीजन नहीं दिया जाता, कोई कट नहीं दिया जाता कोई प्रोसीजर करने के लिए। जैसे अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंड डायग्नोज करता है, अर्ली डिटेक्शन होती है किसी भी पैथोलॉजी की, ताकि उसको डायग्नोज करके आगे फर्दर ट्रीट किया जा सके। अगर हम अल्ट्रासाउंड को एब्डोमेन में बात करें तो एब्डोमेन में लीवर की पैथोलॉजीज़ देखने के लिए, लीवर में किसी किस्म की कोई सिस्ट है, कोई पेशेंट को यरकान हुआ है, हेपेटाइटिस हुआ है, तो उसके लीवर पे किस किस्म के असरात हैं। इसी तरह गॉल ब्लैडर है, किडनी है, इनके स्टोन्स देखने के लिए, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है किडनी में स्टोन की वजह से, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस है, उसको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है। इसी तरह स्प्लीन और पेनक्रियास, वो पेशेंट जिनके स्टमक पे स्वेलिंग हुई भी होती है, जिनको खाना खाने के बाद अच्छा महसूस नहीं होता, उनकी पेन बैक तक जा रही होती है, उसमें पेनक्रियास को, स्प्लीन को देखा जाता है। स्प्लीन में कोई जॉन्डस की वजह से उसके क्या असरात हैं, स्प्लीन का साइज़ क्या है, श्रंक तो नहीं हो गई, ये सब देखने के लिए अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है। एब्डोमेन में मज़ीद हर्निया के जो पेशेंट्स हैं उनको देखने के लिए कि हर्निया किस हद तक है, किस साइड पर है, उसकी साइड देखने के लिए परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अल्ट्रासाउंड को बहुत से लोग कहते हैं कि ये सेफ़ नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अल्ट्रासाउंड बहुत सेफ़ है क्योंकि इसमें बाकी इमेजिंग मॉडलिटीज़ की तरह कोई रेडिएशंस नहीं होती। प्रेगनेंसी में अर्ली डिटेक्शन के लिए किया जाता है अल्ट्रासाउंड, फीटल की ग्रोथ देखने के लिए, कंसीविंग के जितने भी इश्यूज़ हैं, गायनी रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड बेस्ट मॉडलिटी है। इसी तरह ब्रेस्ट में देखें तो कोई लंप है, कोई गिल्टी है, कोई मैस है, उसकी अर्ली डिटेक्शन के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ताकि उसके बाद उसकी आगे बायोप्सी की जा सके और देखा जा सके कि वो बिनाइन है या कार्सिनोमा है, उसकी फर्दर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। अल्ट्रासाउंड जो है मेल पेशेंट्स में प्रोस्टेट देखने के लिए, प्रोस्टेट का साइज़ क्या है, वो किस किस्म की प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है ये देखने के लिए, जेनिटल डिफेक्ट्स देखने के लिए, स्क्रोटल स्कैन के लिए अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है। फीमेल में यूट्रस देखने के लिए, उसके जितने भी प्रॉब्लम्स है, ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है, कंसीविंग के इश्यूज़ हैं, उनको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अगर हम डॉपलर में बात करें तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं ब्लड फ्लो देखने के लिए, टेंडन्स को, मसल्स को, लिगामेंट्स को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। कोई ब्लड फ्लो जिस तरह से लेग्स में अक्सर डीप वेन थ्रोम्बस बन जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की और वो ब्लड आगे पास नहीं हो रहा होता, उसको देखने के लिए कि ब्लड फ्लो किस एरिया में आगे पास नहीं हो रहा, वो वेन डिटेक्ट करती है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। इसी तरह नेक में देखें तो थायराइड के जितने भी पेशेंट हैं, गर्दन में कोई गिल्टी बन जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसमें थायराइड का साइज़ देखने के लिए, किस उस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है उसकी अगर डिटेक्शन के लिए उसको डायग्नोज किया जाता है। अपेंडिक्स के जो पेशेंट हैं, अपेंडिसाइटिस जिनको होता है, उनके आगे ऑपरेट वगैरह करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि अपेंडिक्स में इधर उसको मसला है या नहीं है, अपेंडिक्स के पेशेंट्स देखे जाते हैं। वो ख्वातीन जिनके ऑपरेशन सीजेरियन हुआ होता है, उनमें स्कार में किसी किस्म का कोई फ्लूइड या कोई पस आफ्टर ऑपरेशन कोई रहता हो या कोई मसला हो रहा हो, उन स्कार की डिटेक्शन के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। और वो पेशेंट जिनके अंदर आरपीओसीज रह जाती हैं, उनकी डिटेक्शन के लिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत यूज़फुल है कि वो डिटेक्ट करें कि उसके अंदर कोई चीज़ आरपीओसीज वगैरह कुछ रह तो नहीं गए, अगर रह गए तो फर्दर उसको आगे ट्रीट किया जा सके। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो थम्स अप द वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट अस बिलो, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।